नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। यूपी में चुनाव होने वाले हैं और राजनीतिक सुबुगाहट भी अब तेज हो चुकी है। राजनीतिक पंडित जातीय समीकरण निकालने में लगे हुए हैं। यूपी की राजनीति में आम आदमी पार्टी भी अब बैटिंग करने की तैयारी में लगी हुई है, इसलिए आरोपों का दौर भी अब शुरू हो चुका है। वो कहते हैं ना कि यहाँ तोहमतें लगाने पर सजा नहीं होती, इसलिए तोहमतें लगाने के पीछे कोई खास वजह नहीं होती। तो बस आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर लगाया घोटाले का आरोप लगाने लगा है, और जिस पर राम मंदिर के निर्माण के लिए बीजेपी ने सियासी लड़ाई लड़ी, एक आंदोलन खड़ा किया। अब उस राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप बता रहे हैं कि किस तरह से यूपी की किले में आम आदमी पार्टी सेंध लगाने की कोशिश में जुटी है। बता दें कि संजय सिंह ने रविवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर चंपत राय ने करोड़ों रुपए की चपत लगाई है। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि अयोध्या में जमीन की घाटा संख्या 243, 244 और 246, जिसकी कीमत 5,80,00,000 रुपए है, पहले तो उसे 2 करोड़ रुपए में पहले खरीदा गया। इसके बाद सुल्तान अंसारी ने इस जमीन की खरीदारी में करोड़ों की हेरफेर की। अयोध्या में मेयर भी इस घपले के गवाह बने हैं। ये जमीन शाम को 7:10 पर खरीदी गई और 5 मिनट बाद 2 करोड़ की कीमत रह गई। और आपको बता दें कि राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के 8.5 करोड़ रुपए में खरीदा, जिसमें 17 करोड़ रुपए 5 मिनट में RTGS किए गए, 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए का गबन किया गया। आप सांसद ने अपने आरोपों में कहा है कि अनिल मिश्रा बेनामा कराने में और ट्रस्ट में खरीदारी के गवाह भी बने हैं। मेयर श्रीकेश उपाध्याय बेनामा और साथ ही ट्रस्ट में खरीदारी के गवाह बने, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार का मामला है। मैं केंद्र सरकार से और CBI और ED के जरिए जांच कराने की मांग करता हूँ। एग्रीमेंट के स्टाम्प और बेनामा स्टाम्प को टाइम सब में हेरफेर है। ट्रस्ट में जो जमीन खरीदी गई है उसका एग्रीमेंट 5:11 पहले खरीदी गई जमीन का स्टाम्प 5:22 पर खरीदा गया। कोई भी ट्रस्ट जमीन खरीदने से पहले ट्रस्ट में प्रस्ताव पास कराता है, लेकिन चंपत राय ने 5 मिनट में जमीन बेचने का फैसला भी ले लिया। तो वहीं लेदे के सवाल उनका ये था कि 18 मार्च को जिस जमीन को 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया, उसी जमीन का 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में एग्रीमेंट क्यों हुआ? इससे पहले कि इस मुद्दे पर सियासी बवाल हो, चंपत राय ने खुद इसका जवाब देकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट में निर्माणाधीन राम मंदिर के आसपास के छोटे मोटे मंदिरों और गृहस्थों की जमीन खरीदी गई, परकोटा वे रिटेनिंग दीवार की वस्तुओं में सुधार किया गया, पूर्व पश्चिम दिशा में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई गई, खुला मैदान रखने के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा आवश्यक था, साथ ही जिनसे भूमि ली गई उनके पुनर्वास की भी समुचित व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए भी जमीन की खरीदारी चालू है। उन्होंने कहा कि क्रिया विक्रय का कार्य सहमति के आधार पर किया जाता है और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी होते हैं। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि यहां तक कि कोर्ट फी और साथ ही स्टाम्प तक की खरीदारी पारदर्शी बनाए रखने के लिए ऑनलाइन की जा रही है। विक्रेता के खाते में रुपए भी ऑनलाइन के भुगतान किए जा रहे हैं। चंपत राय ने बताया कि सहमति पत्र के हिसाब से ही कार्य हो रहा है, इसमें कोई घपला नहीं है। चंपत राय ने यह भी बताया कि अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के साथ ही यहां जमीन के भाव रातों रात बढ़ गए, क्योंकि कई इलाकों से लोग आकर यहां भूमि खरीदने लगे। यहां तक कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी यहां पर अयोध्या के विकास के लिए भूमि खरीद रही है। जिस भूखंड को लेकर संजय सिंह यह आरोप लगा रहे हैं उसे रेलवे लाइन के पास खरीदा गया, ये एक प्रमुख स्थान है। चंपत राय ने आरोप का भ्रामक और गुमराह करने वाला और राजनीतिक विद्वेष के प्रेरित होकर बताया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह के सवाल उठ रहे हों। जब चंदे की बात आई थी तो भी विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए थे। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ तो सवाल उठाए गए कि यहां तक कि जब भूमि पूजन किया गया तब भी सवाल उठाए गए। तो वहीं अब चुनाव को आता देख अब यूपी की सियासत में एंट्री लेने के लिए आरोपों का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। वैसे आपकी नजर में आपको क्या लगता है, क्या यह सच में कोई घोटाला है या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीके न्यूज से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।